कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल, मेरठ में कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से करने पर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने की खुर्शीद को गिरफ्तार करने की मांग। झाबुआ में बीजेपी सांसद और उनके समर्थकों ने थाने में किया प्रदर्शन, सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अभी किताब को लेकर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद की सफाई, कहा किसी को आहत करने के मकसद से नहीं लिखी कोई बात। मेरठ में आज नहीं होगी असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी सभा, प्रशासन से नहीं मिली मंजूरी। यूपी दौरे पर आज आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन वाराणसी में किया पूजा पाठ, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में अखिलेश यादव आज गोरखपुर से करेंगे समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। चूरू पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सालासर के सिद्ध पीठ में करेंगे दर्शन। आज भी वही सादगी है आपकी देखने में आई है कि मीडिया से आपने बात किया, लेकिन सर हल्का सा पोल्यूशन आपने यहाँ भी देखा होगा, दिल्ली का देखा होगा, किस तरह से अंतर देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर मत्था टेका, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। लाल किला पर हिंसा मामले में पंजाब की चुनी सरकार का फैसला, गिरफ्तार 83 किसान समर्थकों को 2-2 लाख देगी मुआवजा। लखीमपुर खीरी में कल किसान करेंगे महापंचायत, गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर आए। झारखंड में अब 9वीं और 10वीं के सभी छात्रों को मिलेगी फ्री किताबें, 8वीं के छात्रों को साइकिल भी देने के प्रस्ताव पर मुहर। भरतपुर में सीमेंट के कट्टों से भरा ट्रेलर पलटा, 2 बाई दबी, 3 लोगों की मौत। झालावाड़ में कृषि विभाग की टीम का एक्शन, 150 कट्टे से ज्यादा नकली डीएपी जब्त। मुक्सर में डीएपी के लिए किसान हुए परेशान, गेहूं की बुआई से पहले संकट। नोएडा में एक बच्चे का शव पार्क में मिला, कल शाम खेलने गई मासूम तभी से थी लापता। शाहजहांपुर में एक लड़की की हत्या मामले में उसके पिता और भाई समेत 4 की गिरफ्तारी, पहले पिता ने उसके प्रेमी पर लगाए थे अपहरण के आरोप। कनाडा से लाई जा रही मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को काशी ले जाया जा रहा, कानपुर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आज, बंद के दौरान नांदेड़ समेत जिलों में हिंसा प्रदर्शन और तोड़फोड़। हिंसा को लेकर बीजेपी बोली राज्य के सांप्रदायिक दंगे, नवाब मलिक ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, आज एक्यूआई का स्तर खतरनाक, नोएडा में 770 के पार। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई ने केंद्र से पूछा पराली जलाने की समस्या को लेकर क्या कदम उठाए गए। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, तमाम इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त।